हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स डाइटिंग के बारे में। यह कॉन्सेप्ट ट्रेंड में आया बॉडी बिल्डर्स की वजह से। उन्होंने जब कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन किया तो वहाँ पर बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होती हैं, जिसकी वजह से जब वो कम बैक करते हैं या फिर कॉन्टेस्ट के बाद फूड इनटेक करते हैं तो रैपिड वेट गेन से बचने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई। कॉन्टेस्ट के बाद बॉडी बिल्डर्स ने अपनी कैलोरीज को एकदम से बढ़ाने की बजाय धीरे धीरे क्वांटिटी में बढ़ाया और उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया रिवर्स डाइटिंग। और इसके बाद जनरल पॉपुलेशन ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और इसके रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग रहे, तो इसके वजह से यह ट्रेंड करने लगा। अगर बात करें कि एग्जैक्टली ये डाइट होती क्या है या फिर रिवर्स डाइटिंग क्या होती है, तो यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहां पर आप धीरे धीरे करके अपनी कैलोरीज को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप वीक 1 से लेकर वीक 10 तक का टारगेट रखेंगे और स्लोली स्लोली कैलोरीज ऐड करेंगे। इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है द डाइट आफ्टर द डाइट, मतलब कि डाइट के बाद भी जिस डाइट को या स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं उसको रिवर्स डाइटिंग कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी का काम करने का एक तरीका होता है और जनरली उसका मोड होता है सर्वाइवल, यानी कि हमें लंबे समय तक एफिशिएंटली कैसे चला कर रखना है, यह बॉडी का काम होता है। जब हम कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हंगर बढ़ाने की कोशिश करती है और कैलोरीज को स्टोर करने की कोशिश करती है। यह उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। इसको हम चार पॉइंट से समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में एग्जैक्टली क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस की। तो जैसे ग्रेलिन हुआ, लेप्टिन हुआ, इंसुलिन हुआ, ये हार्मोन आपका हंगर बढ़ा देते हैं। तो जब आप डाइट फॉलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपको लगता होगा कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है। अगला चेंज जो आता है बॉडी का, वो होता है आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और ऐसे केस में जब फूड कम मिल रहा होता है तो बॉडी क्या करती है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देती है और जो नॉन एसेंशियल फंक्शन होते हैं जैसे कि हेयर का ग्रोथ, नेल्स का ग्रोथ, इनकी तरफ एनर्जी का सप्लाई कम कर देती है। अगला पॉइंट है डिक्रीज इन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो ऐसे में आपकी बॉडी कम एनर्जी को खर्च करती है। क्यों? क्योंकि उसको फूड कम मिल रहा है तो प्रोटेक्शन के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए वो ऐसा करती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कैलोरिक डेफिसिट के टाइम पर कि आपका जो वर्कआउट है उसका परफॉर्मेंस हल्का फुल्का डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब कि एक्सरसाइज के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना या वॉक करना या उसके अलावा हम कोई और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसको हम बोलते हैं नीट। तो आपका जो नीट है उसका भी इम्पैक्ट कैलोरिक डेफिसिट की वजह से आता है। और आखिरी में हमारी बॉडी इस तरह से भी बिहेव करती है कि जो हमारा डाइजेशन है वो भी हल्का स्लो हो जाता है। इनफैक्ट जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड होता है उस पर भी कैलोरिक डेफिसिट का इम्पैक्ट आता है। इतने पॉइंट्स के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कैलोरिक डेफिसिट पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ अच्छी न्यूज़ यह है कि जो हमारा मेटाबॉलिक अडेप्टेशन होता है, स्टडीज़ में ये पाया गया है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब कि लंबे समय तक यह सस्टेन नहीं करता है, यह बहुत ही कम पीरियड के लिए होता है। अब बात करते हैं कि लोग डाइट के बाद वेट गेन क्यों कर लेते हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहला तो यह है कि हम कुछ एक्स वाई जेड ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं होती है, यानी कि उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं या फिर जो हमारा बिहेवियर होता है उससे वह मैच नहीं करती हैं। तो उसके वजह से भी चांसेज हो जाते हैं कि जब हम डाइट फिनिश करते हैं या फिर अपना गोल अचीव करते हैं तो हम जल्दी से उसी सेम फूड पर स्विच कर जाते हैं जो हम पहले कंज्यूम कर रहे थे, या फिर जो हमारी हैबिट्स थी उनमें तो कुछ खास चेंजेज आया नहीं था तो हम फिर से स्विच कर जाएंगे उन्हीं हैबिट्स की तरफ। तो यह सबसे पहला फैक्टर होता है वेट गेन के केस में। दूसरा फैक्टर होता है कि आपने डाइट कैसे फॉलो किया और आपका रिलेशनशिप विद फूड कैसा रहा, यानी कि जो आप फूड कंज्यूम कर रहे थे उसके साथ आपका रिलेशन कैसा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सपोर्ट सिस्टम और बिहेवियर का या फिर एनवायरनमेंट का। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आपका कोच कौन है या फिर आपको गाइडेंस कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि जब आप फूड कंज्यूम करते हैं या फिर आपकी हैबिट्स बिगड़ रही हैं या सुधर रही हैं या फिर आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है और ऐसे में कोई अवेलेबल ना हो, तो ऐसे केसेस में भी डाइटिंग के बाद वेट रीगेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि डाइट करने के बाद, गोल हिट करने के बाद हमारा जो रीगेन के चांसेस हैं वो कैसे एलिमिनेट हो सकते हैं। तो उनके सिंपल से आंसर हैं, सबसे पहला तो ये कि हमारी डाइट सस्टेनेबल होनी चाहिए, दूसरा ये हमारा फूड के साथ रिलेशन सुधरना चाहिए, तीसरा यह है कि हमारी जो ओवरऑल हैबिट्स हैं वो बदलनी चाहिए, और लास्ट पॉइंट ये कि हमें न्यूट्रिशन की
समझ होनी चाहिए और अपने बिहेवियर की समझ होनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम रीगेन के जो चांसेस हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यह समझते हैं कि रिवर्स डाइटिंग को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मानकर चलते हैं आपने कोई डाइट फॉलो की और आप 1700 से लेकर 1300 तक लोअर रेंज में जा रहे थे। अपना कैलोरिक डेफिसिट बनाने के लिए आप लगभग इतनी रेंज में कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे थे। इसके बाद अब बात आती है कि हमने गोल हिट कर लिया है, अब हमें क्या करना होगा। तो रिवर्स डाइटिंग के केस में बहुत सिंपल है, आपको करना ये होगा कि आपको इस डाइट के बाद भी अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी होंगी और 50 से लेकर 150 तक कैलोरीज ऐड करनी होंगी और यह चलता रहेगा कम से कम 10 से 12 वीक तक। तो आपको डाइटिंग के बाद भी 3 से 4 महीने स्लोली स्लोली कैलोरीज ऐड करनी होंगी। जैसे कि पहले वीक में हमने ऐड किया 50 से 150 कैलोरीज के बीच में, फिर हमने देखा कि हमारा वेट कितना फ्लैक्चुएट हुआ, उसके बाद हमने थोड़ी सी कैलोरीज और ऐड करी। कैलोरिक काउंटिंग इसलिए भी बड़ा रोल प्ले करेगी क्योंकि कैलोरीज बहुत कम ऐड कर रहे हैं, ऐसे में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। साथ में हमें यह ध्यान देना है कि किस रेंज में हमारा वेट गेन होने लगा है, यानी कि हमारी 2000 कैलोरीज 2200 कैलोरीज तक हम आ गए हैं और हमारा वेट रीगेन अभी शुरू नहीं हुआ है। और जब हम कैलोरीज ऐड करते हुए एक ऐसी रेंज में आ जाएं जहां पर हमें ऐसा लगने लगे कि हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं इतना काफ़ी है और नॉर्मल है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है और हमारा वेट भी गेन नहीं हो रहा है, तो वहाँ तक हम कैलोरीज को ऐड करते हैं। ऐसे ही रिवर्स डाइटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है। यह जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, लेकिन जो कोचेज हैं और एथलीट्स हैं उन्होंने इसको अप्लाई किया। मैंने खुद से बहुत सारे क्लाइंट्स पर ये चीज़ अप्लाई की और पाया कि काफ़ी सस्टेनेबल रिजल्ट्स इससे मिले हैं। और बॉडी बिल्डर्स के केस में या फिर एथलीट्स के केस में वो ज़्यादा कैलोरीज ऐड कर सकते हैं क्योंकि उनका जो फिजिकल एक्टिविटी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा रेज होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वो अपनी कैलोरीज का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरह से इस डाइटिंग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जाता है। और बात मेरी सलाह की करें तो यह स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है उन सभी लोगों के लिए जो वेट रीगेन से बचना चाहते हैं या फिर उसके चांसेस एलिमिनेट करना चाहते हैं या फिर उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। ओवरऑल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो कि आपके मूड को लेकर, आपके हंगर को लेकर, आपके मेटाबॉलिज्म को लेकर हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और अगर आपके कुछ डाउट हों तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।